बॉम्ब को फेंकने से पहले उसकी पिन को मुंह से ही क्यों खींचते हैं, जबकि हाथ से भी तो खींचा जा सकता है। दरअसल ग्रेनेड के साइड में एक पिन लगी होती है जो ग्रेनेड के अंदर लगे एक लोडेड स्प्रिंग से कनेक्ट रहती है, और जैसे ही सेफ्टी पिन को खींचा जाता है तो अंदर लगी हुई स्प्रिंग अपनी जगह से खिसक जाती है और अंदर लगा स्ट्राइकर बॉम्ब के नीचे जाकर स्पीड से टकराता है। इस टकराव से एक चिंगारी निकलती है, वो चिंगारी बॉम्ब में भरे हुए विस्फोटक सामग्री तक पहुंचती है और बॉम्ब को 3 से 4 सेकंड में ब्लास्ट कर देती है। और सोल्जर स्पिन को हाथ से नहीं खींच पाता है क्योंकि उसके पास भारी भरकम सामान और हाथ में बंदूक होती है।